चैनल। आज मैं लाई हूँ मेरा मॉर्निंग का जो मैं स्किन केयर रूटीन करती हूँ वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि मैं मॉर्निंग में मेरा स्किन केयर रूटीन हफ्ते में 3 दिन में कैसे करती हूँ। बाकी तो मैं नॉर्मली करती हूँ बट मैं हफ्ते के 3 दिन कुछ अलग करती हूँ, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपना स्किन केयर रूटीन कैसे करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बेड लगा लूँगी कि आपके बालों में कोई प्रोडक्ट ना लगे, तो चलिए इसे लगा लेते हैं। पहले ये मैंने लगा लिया है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले किससे स्टार्ट करना है। ये है गुड वाइब्स का स्क्रब जो मैं हफ्ते में 3 दिन स्क्रब करती हूँ, तो ये गुड वाइब्स के स्क्रब मैं यूज़ करती हूँ। एलोवेरा का है ये, काफ़ी अच्छा स्क्रब है ये, आपके स्किन काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देती है। तो चलिए इससे लगाते हैं। ये देखिए अंदर से ऐसा है, ग्रीन है थोड़ा, और इसके ग्रैन्यूल्स काफ़ी थोड़े चंकी पार्ट्स है इसके अंदर, देखिए। तो चलिए इसे लगाते हैं, चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाना है। इसे स्क्रब जैसे आप नॉर्मली करते हैं वैसे करना है। मैं बिंदी निकाल दूंगी। ये इसे मैं नहाने से पहले करती हूँ हफ्ते में 3 दिन। चलिए इसे स्क्रब करते हैं, थोड़ा पानी लेके अच्छे से स्क्रब करना है। आप हफ्ते में 3 दिन स्क्रब कर सकते हैं, या अगर कोई बेसन या आटे से कर रहे हैं तो आप उसे रेगुलर भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, नुकसान नहीं करता आपकी चीज़। अगर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार ही यूज़ करें। अगर किचन से आप कुछ ले रहे हैं स्क्रबिंग करने के लिए तो उसे आप रेगुलर भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। ऐसे देखिए ऐसे ऐसे स्क्रब करना है, जैसे मैंने मेरी फेशियल की वीडियो में बताई थी आपको कि मसाज कैसे करना है। और स्क्रबिंग एकदम हल्के हाथों से करना है, दबा के नहीं करना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, हल्के हाथों से। जितना हाथ हल्का रहेगा उतना अच्छा है, नहीं तो रैशेज पड़ सकते ऐसे ऐसे। और आँखों पर ना लगाएं, आँखों के नीचे बस आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करना है इसे, और अच्छे से 5 मिनट तक इसे स्क्रब करना है। अब 5 मिनट 3 मिनट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको टाइम मिले वैसे अच्छे से रगड़ना है। और जो आपको छन छन की आवाज़ आ रही है वो मैंने हाथ में ब्रेसलेट पहना है इसका आ रहा है, तो प्लीज़ माइंड मत करना। ये स्क्रबिंग आप तभी मतलब उनको ज़्यादा करना चाहिए जिनको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम रहती है। अगर वो स्क्रब करेंगे तो उनके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं, तो इसे अच्छे से स्क्रब करना है 2 से 3 मिनट। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे 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 इसे आपको करना है। आप नेक पे भी कर सकते हैं बट मैं भी नेक पे नहीं कर रही हूँ, वैसे तो मुझे नहाना ही है अभी। नोज को अच्छे से करें क्योंकि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम नाक पे ही ज़्यादा रहती है, और यहाँ पे इसे अच्छे से रगड़ना है। इसे 2 या 3 मिनट अब करना है, और जैसे मैंने फेशियल के वीडियो में बताया था कि एगी इससे आप मसाज ना करें, सिर्फ फिंगर की मदद से ही करें क्योंकि फिंगर से प्रेशर कम लगता है। अब अगर आप हथेलियों से करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और इसमें जो ग्रैन्यूल्स है वो आपको रैशेस दे सकते हैं, तो फ़ायदे की वजह आपको नुकसान हो सकता है, तो वो गलती ना करें आप। अच्छे से ये करना है, स्क्रब करना है। अब जितना अच्छा स्क्रब करेंगे उतना ही अच्छा ग्लो आएगा स्किन पे। ठीक है, मेरा स्क्रब हो गया है तो मैं इसे वॉश करके आती हूँ, फिर आपको पैक बताती हूँ कि इसके बाद पैक कैसे लगाना है। ये देखिए मैं वॉश करके आ गई हूँ, और अभी मैं इसे सूखे टॉवल से पोछूँगी और टॉप करूँगी। टैप करके पोछे रगड़े ना, मैंने फेशियल की वीडियो में भी आपको बताया है कि कभी भी आप स्किन रगड़ के ना पोछे, उससे आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। तो चलिए पैक बनाते हैं। पैक के लिए मैंने लिया है इधर कस्तूरी हल्दी। जिनको नहीं पता है कि कस्तूरी हल्दी क्या होती है तो मैं उनको बता दूं, जो कच्ची हल्दी रहती है ये उससे बनाया जाता है। आप किचन की हल्दी ना लें, कस्तूरी हल्दी में जितना बेनिफिट रहता है उतना अपने नॉर्मल हल्दी में नहीं रहता है, तो आप इसे यूज़ करें।
तो इसे यूज़ करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना, और आपको लेना रहेगा तो आप वहाँ से परचेस कर लेना, या ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए इसे कितना लेना है चलिए देखते हैं। और एक बात, आप कोई भी प्रोडक्ट या फेस पैक या कुछ भी बनाते हैं तो प्लीज़ ग्लास का बाउल आप यूज़ करें। मैंने और एक वीडियो में मेरी बताई हुई है कि आप ग्लास की बाउल यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्या होता है, कभी कभी हम कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो स्टील का बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन वो ख़राब कर सकते हैं, तो इसीलिए आप ग्लास का बाउल यूज़ करें जिसमें कोई नुकसान नहीं होता। तो चलिए इसमें देखते हैं कितना लेना है हमें प्रोडक्ट। ये देखिए, इसके अंदर ऐसा थोड़ा थिक रहता है ये हल्दी, अपनी नॉर्मल हल्दी जैसी नहीं रहती ये। तो चलिए इसे लेते हैं, इसे मैं ये चम्मच की मदद से लूँगी, और मैं हाफ हाफ ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, इसे ज़्यादा ना लें। देखिए इतना मैंने लिया है, आपको दिख रहा होगा इतना मैंने लिया है। अभी मैं इसमें मिक्स करूँगी इवॉन की 400 mg की एक कैप्सूल, विटामिन ई की कैप्सूल है ये, इसे आप ज़रूर मिक्स करें क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए इसे एक हम उसमें प्रिक करके डालते हैं। और ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ, इसे मैंने फोड़ दिया है, इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी रहती है, इसे अच्छे से आप डालें। ये काफ़ी थिक ऑयल रहता है, देखिए मैंने डाल दिया है पूरा। अब इसमें और एक चीज़ मिक्स करना है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या मिक्स करना है। इसमें मैं मिलाऊंगी वाव की जेल, ये जेल काफ़ी अच्छा है, इसे मैं 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसके जगह पे आप नॉर्मल जेल भी ले सकते हैं, जो आपके घर में एलोवेरा प्लांट है उसमें से आप ले सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको वो अवेलेबल है तो आप वो डालें, नहीं तो आप कोई भी एक नॉर्मल जेल डाल सकते हैं। तो चलिए इसे मिलाते हैं, इसे भी मैं 1 चम्मच लूँगी। ये देखिए इतना मैंने लिया है, और इसे मिक्स करूँगी, इसे अच्छे से मिक्स करना है, एक थिक पेस्ट की तरह आपको इसे करना है, ज़्यादा पतला और ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, ऐसे आपको मिक्स करना है जैसे आपके फेस पे लग जाए अच्छे से। तो इसे मैं फिंगर से मिक्स करूँगी, इससे मिक्स नहीं हो रहा क्योंकि ऑयल वगैरह फिंगर से मिक्स नहीं होते, तो इसे फिंगर से ही मिक्स करूँगी, स्पून से नहीं मिक्स होता है, सॉरी मैं मिक्स कर लेती हूँ। देखिए काफ़ी ऐसा है, और ये हल्दी देखिए आपकी स्किन को पीला नहीं करता, जो नॉर्मल आप किचन की हल्दी लोगे आप थोड़ा भी लगाओगे तो येलो हो जाती है, और ये थोड़ा ब्राउनिश टाइप में लगता है, पूरा येलो नहीं लगता। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं, ये मिक्स हो गया अच्छे से, अच्छे से लगाना है, और इसकी खुशबू काफ़ी अलग है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, ये एक मास्क की तरह लगाना है आपको, और बहुत पतला नहीं करना है, पतला कर देंगे तो आपको लगाने के लिए नहीं होगा, वो पूरा इधर उधर आपको लगेगा। जेल हो सके तो आप वाव का लें, या फिर आपका जो प्लांट है वो ले, प्लांट रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट है, और जिनको नहीं मिलता वो पतंजलि का भी ले सकते हैं, जो पतंजलि एलोवेरा जूस आता है वो भी इसमें डाल सकते हैं, एलोवेरा तो आपको हर तरह से फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ऐसे लगाना है, आप जितनी स्किन की केयर करेंगे उतनी स्किन आपकी हेल्दी रहेगी, तो आप हफ्ते में अपनी स्किन केयर रूटीन डेली फॉलो करें, उसे स्किप ना करें, नहीं हो तो थोड़ा स्क्रब और आप एक पैक तो ज़रूर करें। मैंने कुछ ऐसे लगा लिया, आप इसे नेक वगैरह पे लगा लें, बट मैंने नहीं लगा, मैं इतना ही लगाऊंगी। अच्छे से लगाना है,
से मैंने लगा दिया है और इसे मैं ड्राई होने दूंगी, इसे पूरा ड्राई होने देना है। और आप चाहें तो इसके स्क्रब करके आप निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आप वॉश कर सकते हैं। तो मैं इसे तो डायरेक्ट वॉश करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्क्रब किया है। अगर आप स्क्रब नहीं कर रहे हैं और खाली ये पैक यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको सर्कुलर मोशन में ऐसा रफ करके फिर निकालें तो जो भी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं वो आपके थोड़े बहुत रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए इसको ड्राई होने देते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपको 15 मिनट बाद। ड्राई हो गया है तो मैं इसे वॉश करके आती हूँ और वॉश करके मिलते हैं इसके बाद मैं क्या लगाने वाली हूँ। तो चलिए मैं वॉश करके आती हूँ। ये देखिए मैं वॉश करके आ गई हूँ और अभी आपको थोड़ा येलो लग रहा होगा बट इतना ज़्यादा नहीं। हल्दी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। आप हल्दी को, जिनको पिंपल का प्रॉब्लम है अगर वो रेगुलर यूज़ करते हैं हल्दी विटामिन ई कैप्सूल मिला के, जैसे 15-20 मिनट लगाते हैं तो काफ़ी हद तक उनके पिंपल्स का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ मेरा पिंपल्स है, ये है, वो है, तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कुछ नहीं, आप थोड़ी सी हल्दी ले ले, ये एक कस्तूरी हल्दी बहुत सस्ती मिलती है, आप उसे ले ले और उसमें विटामिन ई की कैप्सूल एक डाल दें, जो कैप्सूल भी हार्डली 30-40 रुपये की आती है, उसमें भी 10 कैप्सूल्स रहते हैं, तो आप उसे डेली यूज़ कर सकते हैं तो काफ़ी हद तक ये आपके पिंपल्स को ठीक कर सकता है। तो चलिए इसके बाद मैं क्या लगाने वाली हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ गुड वाइब्स की विटामिन सी एंड विटामिन B3 ग्लोई सीरम। सीरम लगाना ज़रूरी है, मैंने आपको फेशियल में भी बताया था कि सीरम लगाना कितना ज़रूरी है, तो इसे मैं 2-3 ड्रॉप अपने फेस पर डायरेक्ट अप्लाई करूँगी। और इसे मसाज करना है अच्छे से। एक काफ़ी जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है सीरम। ये देखिए ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने सीरम लगाया है। काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। और ये सीरम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सीरम अगर डेली आप नाइट में लगाते हैं, ये गुड वाइब्स की सीरम है, इसका लिंक मैं दे दूँगी, तो ये सीरम अगर आप नाइट में लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको स्किन केयर रूटीन करना चाहिए, तो मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगी कि अगर आप रात को कोई थोड़ा सा भी कोई चीज़ जैसे आटा लेके या बेसन लेके या कोई थोड़ा सा स्क्रब लेके आप फेस वॉश करते हैं और फेस वॉश कर उसे स्क्रब करके और फेस वॉश करके रात को सीरम लगा के सोते हैं, तो जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन कितनी शाइन करेगी और कितनी ग्लो करती है, क्योंकि रात को ही हमारी स्किन ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ले पाती है, क्योंकि पूरा दिन धूल पोल्यूशन में हम लोग बाहर रहते हैं तो उनकी ब्रीदिंग अच्छे से होती नहीं है, हमारे स्किन पे मेकअप वगैरह रहता है तो इसके लिए उनको सांस लेने के लिए नहीं मिलता है, रात को ही हम उनको अच्छे से केयर कर पाते हैं। तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि रात को आप डीप क्लीन करें अच्छे से और सीरम लगाएं, सीरम या कोई भी आप नाइट क्रीम लगा रहे हैं उसे लगा के ज़रूर सोएं, तो वो आपके स्किन पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेगा और काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। कोई भी रेमेडीज़ अगर आप रात को करते हैं तो वो अच्छे से वर्क करता है, वो डे में करेंगे तो इतना ज़्यादा कैसे, अभी मुझे नहाना है बट मुझे टाइम नहीं रहता रात को, इसलिए मैं रात को नहीं करती, तो मैं डे में मेरे हफ्ते में 3 दिन कर लेती हूँ क्योंकि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन प्रॉपर तरीके से फॉलो करती हूँ। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। ये आप यूज़ नहीं करें तो विटामिन ई की कैप्सूल भी लगा सकते हैं डायरेक्ट अपने फेस पे, कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता, बहुत फ़ायदा, उससे फाइन रिंकल्स, पिंपल्स, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं, जिनको डार्क पैचेस हो जाते हैं वो विटामिन ई कैप्सूल से ठीक हो सकती है। ये सीरम से आप मार्केट में बहुत सारे सीरम आपको अवेलेबल हैं बट आपको यही चाहिए तो मैं आपका इसका लिंक दे दूंगी, तो आप प्लीज़ इसे आप परचेस कर सकते हैं वहाँ से, अभी तो काफ़ी वेबसाइट पर ऑफर्स चालू हैं तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये था मेरा मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करें मेरी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, वीडियो आप देखते हैं बट लाइक नहीं करते तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, एक लाइक से आपका कुछ नहीं होगा और आपके पैसे नहीं चार्ज होते, उसमें हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छा वर्क करने का और आपको कुछ बताने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद मैं और एक स्किन केयर रूटीन लाने वाली हूँ तो इसी चैनल पे ही मैं डालने वाली हूँ, अदरवाइज़ मेरी कोई दूसरी चैनल नहीं है जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था। तो सारे मैं जो भी रेमेडीज़, मेकअप और हेयर स्टाइल है तो इसी में चालू हुआ, मतलब मैं डालूँगी, तो आप प्लीज़ इसी चैनल पर बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।